बिजरोनी और खतोरा सेक्टर की आशा कार्यकर्ता सहयोगिनी की शिकायत लेकर पहुंची एसडीएम कार्यालय। कोलारस शुक्रवार को 43 डिग्री सेल्सियस तापमान होने के बावजूद भी खतोरा और बिजरोनी सेक्टर की 2 दर्जन आशा कार्यकर्ता 4 माह से वेतन न मिलने और सहयोगिनी रेखा परिहार द्वारा भावचार डाले जाने के बदले अनैतिक मांग को लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती आवेदन एसडीएम डॉक्टर ब्रजेंद्र यादव को दिया। वे इस मामले में पूर्व में भी आवेदन दे चुके हैं, किंतु जांच में सत्यता पाई जाने के बाद भी रेखा परिहार पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। अभी भी वेतन निकलने के एवज में सहयोगिनी रेखा परिहार द्वारा लगातार रिश्वत की मांग की जाती है। यही नहीं, वे कार्यालय में न बैठकर घर पर ही सबको बुलाती हैं। घर पर सहयोगिनी का पति भी आशा कार्यकर्ताओं से अभद्र व्यवहार करता है। आलम यह है कि नवंबर 2023 से आशा कार्यकर्ताओं का वेतन रुका हुआ है। इस मामले को लेकर बीसीएस द्वारा सुधार का प्रयास किया तो रेखा परिहार और उसके पति ने उनको चप्पल से मारने की धमकी दी। उक्त मामले को लेकर गंभीरता से लेते हुए एसडीएम डॉक्टर विजेंद्र यादव ने कहा कि मैंने बीओमओ से पहले इस मामले में चर्चा कर ली है। रेखा परिहार का जांच प्रतिवेदन जिले पर भेज दिया गया है। अनैतिक मांग को लेकर प्रामाणिकता पाई जाती है तो हम सख्त और अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे। सर अभी अभी आशा कार्यकर्ता आई हैं सर, कुछ समस्या लेके क्या है सर? आशा कार्यकर्ताओं द्वारा हमें बताया गया है कि उनकी जो सहयोगी रहती हैं उनके द्वारा अनैतिक मांग की जा रही है उनसे। उसके जब उनका मानदेय डाला जाता है तो उसमें वो कुछ पैसे वगैरह की मांग करती है। इस संबंध में उन्होंने बीएमओ को शिकायत की थी। मैंने अभी बीएमओ से चर्चा कर ली है, उसकी जांच प्रतिवेदन बनके जिला स्तर पर पहुंच गया है। उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और यदि सत्ता पाई जाएगी तो ऐसे सहयोगियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी।